तो जिन्हें मेरी ट्रांसपेरेंसी देखनी है आकाश, वो तो लाइन में लगे हैं रेमडेसिविर की दवा लेने के लिए, दवा तो मिल नहीं रही है, वो सारे वहां लाइन में लग गए हैं, यहां कौन है? देखिए आप शुरू हो गए, आप पहले से शुरू हो गए हैं। अरे पूरे दुनिया को दवाई दी है, ऐसे पाइपलाइन में दवाई ऐसे आ रही है, ये दो दिन ना आप थोड़ा सा फुर्सत लीजिए, बोले त्राही मच गई, त्राही मच गई, ओए कहां है वैक्सीन, है सब वैक्सीन आ जाएगा लाइन से, पूरी दुनिया को दिया है, पूरे देश को भी देंगे, आप चिंता मत करिए। पहले ये बताइए, ये बताइए संडे का बनाना है, पोस्टर बना दीजिए। अच्छा अच्छा एक मिनट, एक मिनट रवि जी, आप बताइए आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आपको कभी कोरोना पॉजिटिव होंगे? आप कभी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप कभी नहीं होंगे, पूछिए क्यों नहीं होंगे कभी कोरोना पॉजिटिव, पूछो पूछो क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई? नेगेटिव की दुकान हो आप, नेगेटिविटी की दुकान हो, रात के 9 बजे से लेकर नेगेटिव नेगेटिव, हाय 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 सब कुछ खराब है, सब कुछ नेगेटिव है, आपको थोड़ी ना कोरोना होगा तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? सारा नेगेटिव चल रहा है आपका। पॉजिटिव भी है कि हम इतने नेगेटिव के बीच में जी रहे हैं, हाँ सब कुछ खराब होने के बाद भी हम नॉर्मल हैं, अहमदाबाद में हजारों लोग लाइन में लगे हैं, हम नॉर्मल हैं, इससे पॉजिटिव बात क्या हो सकती है? भर पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है कि लोग संडे को धूप में अहमदाबाद में लाइन में लगे हैं रेमडेसिविर के लिए, ये पॉजिटिव बात है कि हम मामूली दवाइयों को यूं ही जाकर नहीं ले आते, हम लाइन में लगते हैं, स्ट्रगल करते हैं, घंटों लाइन में लगते हैं, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हैं, दवा नहीं मिलती है तब जाकर पॉजिटिव फील करते हैं। रवि जी ATM के लाइन, आप दवाई की लाइन, आप लोग लाइन के पीछे इतना क्यों पड़े रहते हो? अरे इतने बड़े देश में थोड़ी लाइन लग, अच्छी लाइन तो नोटबंदी की लाइन थी, तो देश खराब, देश खत्म हो गया क्या? ठीक है ना, आप आगे बढ़ते हैं यार, लाइन 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 के पीछे आप लगे रहते हो। मैं ये कह रहा था कि संडे का दिन है, आपको देख के कुछ लग रहा है अलग, मैंने टीवी पे अलग लग रहे थे, अभी कुछ अलग एकदम ग्लो आ रहा है आपके फेस में, कोई लाइटिंग फाइटिंग है या कुछ कुछ किए हो क्या आप? मुझे लग रहा है नहीं, लाइटिंग तो यहाँ नहीं है मगर फाइटिंग जरूर है। हाँ नहीं तो इतना इतना ब्राइट फेस आपका लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ फिट फिट टाइप फील हो रहा है। वो ब्राइट विंग ब्राइट फेस से याद आ गया आप मैंने फिरकी ले रहे हो, अच्छा ठीक है, हम लगा कि आप भी फिट इंडिया टाइप कुछ काम कर रहे होगा, अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है, आपको भी फिट रहना चाहिए। मैंने टीवी पे आप थोड़ा सा नेगेटिव लग रहे थे, अभी पॉजिटिव लग रहे हो। तो आप तो जानते हैं कि मैं देश के लिए योगा करता हूँ, अपने लिए तो मैं खाना भी नहीं खाता, और कितने साल हो गए मुझे सोए हुए है ना, और पूरा घर कपड़ों से भरा पड़ा है, तो आज संडे को मैंने सोचा कि मैं कितने कपड़े बदलूं, आज जरा संडे वाला कपड़ा पहन लेता हूँ। और योगा तो के बारे में क्या बोला अभी? क्या बोला अभी आपने योगा के बारे में? योगा के लिए योगा करता हूं। योग करते हैं आप, तो शर्मा क्यों रहे? मोदी जी कुछ अच्छा काम करते हैं, योगा चैंपियन बनते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं, देखिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ये नहीं बोलते हैं देखा आज पहले एक्सपोज कर दिया, रवीश कुमार इज योगा फैन, रवीश कुमार प्रैक्टिसेस योगा। बोलिए मोदी जी के फिटनेस से बिल्कुल नहीं लगता कि योगा वाले, विकाद कर लेते हैं दिखाने खाने के लिए, वो सब ठीक है, बीच में मोर वोर आ जाते हैं तो मोर को खिलाने लग जाते हैं, वो योगा कहाँ कर पाते हैं? वो जाते हैं करने योगा, लेकिन बीच में मयूर आ जाते हैं, मयूर दल को देखकर वो मानवीय हो जाते हैं, तो फिर उसमें कहाँ टाइम मिलता है? वो समझ में आ जाता है कि वो हेडलाइन बन जाता है, और जर्नलिज्म कम करते हैं रवि, नहीं नहीं रवि जी जर्नलिज्म कम कर रहे हैं, फिरकी ज्यादा ले रहे हैं आप हैं आजकल, मैं देख रहा हूं ये आजकल आपके शो में एलियन आ जाता है, हैं आपके शो में मीम आर्टिस्ट आ जाते हैं, हो क्या रहा है ये, हो क्या रहा है? आप पत्रकार हैं, आप सेटायरिस्ट बन रहे हैं, तो बता दीजिए। देखिए मैं इतना कह सकता हूं रवि जी, आज के जमाने में ना सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई मजाक नहीं उड़ा सकता है, वो सब उस समय का होगा, यहाँ कोई अभी डेयर भी नहीं करेगा, हम सीधे सीधे बता दे रहे हैं, ये सब उल्टा सीधा मजाक नहीं चलेगा, आज के न्यू इंडिया है ये, न्यू इंडिया। मजाक उड़ाने का टाइम नहीं है क्योंकि लोग लाइन में लगे हैं दवा लेने के लिए, मजाक उड़ाने के टाइम के लिए थोड़ा लेजर होना चाहिए उनके लाइफ में, संडे होना चाहिए, यू नो थोड़ा पार्क वार्क होना चाहिए, रिलैक्स टाइम होना चाहिए, अच्छा थोड़ा सा वो जूस वूस होना चाहिए आम का। अब फिर मैं आपसे देखिए स्टूडेंट्स हैं, मैं अच्छा ठीक है, इतना रिलैक्स कर रहे हैं तो आजकल आप भी थोड़ा रिलैक्स कर लो, हैं कल बिहार तो, आज बंगाल, सब कुछ सामने से चला जा रहा है, इतना कोशिश किया, लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया, सब एवरीथिंग गोइंग इनटू, क्या कहना है? तो पूरा देश जा रहा है, पूरा नहीं, एक मिनट देश कौन है? देश हम हैं, देश हम हैं, देश आप नहीं हो, देश हम हैं।
वो तो आप है ही, तभी तो बाकी सब देशद्रोही हैं। तभी तो अस्पतालों में जगह नहीं है, लोगों की हालत खराब है। अरे मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, आपको असमंजस हो रहा है। क्लब हाउस में असमंजस हो रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है। रवीश कुमार इज आस्किंग व्हाई इज देयर नो एंटी इनकम्बेंसी, नेशन वांट टू नॉट। मिस्टर रवीश कुमार बताइए क्यों, क्या? देखिए वो तो प्राइवेट चर्चा थी और वो पब्लिक में भी है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो सारी बातें तो वो आज जो शख्स थे उन्होंने तो उन चैनलों पे भी कहा था। तो वो चूंकि एक बीजेपी के विरोधी दल के रणनीतिकार है, तो उनसे मैं समझना चाह रहा था कि वो बीजेपी को कैसे देखते हैं, उसकी ताकत को कैसे देखते हैं, तो इसमें क्या गलत है, है कि नहीं? नहीं, तो आप एडमिट कर रहे हैं ना, एडमिट करिए, आप भी एडमिट करिए। मैं किस चीज का एडमिट करूं? एडमिट करने के लिए तो अस्पताल नहीं है मरीजों को, तो मैं एडमिट क्या करूं भैया? प्रशांत जी